तो भाई आज का मंडे नाइट रॉ पूरी तरह से खत्म हो चुका है और आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर गुंथर ने हरा दिया जय उसो को। और आज WWE रॉ के अंदर एक न्यू गोल्डबर्ग ने अपना रिटर्न किया है। चलिए हम जानते हैं क्या कुछ हुआ आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जय उसो और गुंथर के मैच के बारे में। तो देखो भाई जैसे इनका मैच शुरू होता है सबसे पहले हमें एंट्रेंस देखने को मिलती है जय उसो की। सभी को पता है भाई जैसे जय उसो आते हैं वैसे भाई सारी ऑडियंस पागल हो जाती है। जय उसो के बाद एंट्रेंस होती है गुंथर की और गुंथर भी वहां पर आ जाते हैं। WWE इन दोनों का मैच स्टार्ट कर देती है और मैच के स्टार्टिंग में भाई जय उसो काफी अच्छा डोमिनेट करना चालू कर देते हैं गुंथर को। जय उसो गुंथर के ऊपर अटैक कर रहे थे वैसे वैसे ऑडियंस हीट हीट बोलती जा रही थी। मैच के अंदर गुंथर ने भी बहुत अच्छा खेला। गुंथर भाई जय उसो को उठा उठा कर रिंग के बाहर ले जाके पटक देते हैं। देखो भाई मजा तो तब आया जब जय उसो उठाते हैं गुंथर को और रिंग के साइड में लेकर जाके एक समोन ड्रॉप लगा देते हैं ऊपर से। गुंथर की हालत तो देखो वैसे ही खराब हो चुकी थी लेकिन जय उसो उनको पिन करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पिन नहीं होते हैं, वो किक आउट कर देते हैं। मैच के अंदर भाई गुंथर इतने ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि वो जय उसो को इंजर्ट कर दे। इसके बाद एक भाई चॉप लगाते जाते हैं गुंथर को। भाई मुझे देख के ऐसा लगा था कि जय उसो कोई छाती ना फट जाए। गुंथर जय उसो को सबमिशन मूव के अंदर फंसा लेते हैं जिससे कि जय उसो निकल नहीं पाता। रेफरी आता है, रेफरी जय उसो का हाथ ऊपर उठाता है कि जय उसो जिंदा है या फिर नहीं, पर जय उसो का हाथ बिल्कुल ढीला पड़ चुका होता है। बस 3-2-1 टाटा बाय बाय जय उसो हार जाता है इस मैच के अंदर। गुंथर जाकर फेस करने वाले हैं रैंडी ऑर्टन को स्मैकडाउन के अंदर। मैंने बहुत सोचा था कि इस मैच के अंदर जय उसो जीतेंगे लेकिन भाई WWE ने ऐसा नहीं किया, WWE ने गुंथर को जिताया। तो भाई जितने भी जय उसो फैन है इस मैच से उनका दिल काफी ज्यादा टूटा होगा। अगर आपका भी टूटा है तो आप लोग कमेंट करके बताना जिससे कि मुझे पता चले किन किन फैंस को जय उसो पसंद है। चलो हम बात करते हैं गोल्डबर्ग के बारे में। तो क्या WWE के अंदर एक और न्यू गोल्डबर्ग आ चुका है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। मंडे नाइट रॉ के अंदर ये ब्रॉन ब्रेकर का पहला मैच था और पहले मैच के अंदर ब्रॉन ब्रेकर ने एक रेसलर को सीधे हॉस्पिटल के अंदर भेज दिया। अभी के समय में जो ब्रॉन ब्रेकर है ना वो पूरी तरह गोल्डबर्ग की कॉपी बन चुका है। जिस तरह गोल्डबर्ग हरकतें करते थे सेम उसी की तरह ब्रॉन ब्रेकर आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर कर रहे हैं। सारे फैंस को बहुत अच्छा लगना चाहिए क्योंकि आज WWE के अंदर एक न्यू गोल्डबर्ग ने अपना रिटर्न किया है। ब्रॉन ब्रेकर का मैच है NXT के सुपरस्टार के साथ आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर। ब्रॉन ब्रेकर इतना गंदी तरह पेल देते हैं उसको कि वो चलने उठने के लायक नहीं रहता है। ब्रॉन ब्रेकर उस रेसलर को भाई स्पेयर पे स्पेयर लगाते जाते हैं, एक स्पेयर बाहर लगाते हैं रिंग के, एक स्पेयर रिंग के अंदर लगाते हैं। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इतनी ज्यादा खराब हो गई थी वो उठ नहीं पा रहा था। वहां पर घंटी बजा के उसी मैच को वहीं पर रोकना पड़ता है। इस मैच को तो रोक दिया लेकिन ब्रॉन ब्रेकर को नहीं रोक पाई। इतना ज्यादा गुस्सा आ रखा था कि वो जाके लोहे की सीढ़ियां उठाकर ले आते हैं, ऐसी सीढ़ियों से उसके ऊपर दे मारते हैं जिससे कि उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। मौका देखते हुए वहीं पे एम्बुलेंस को बुलाना पड़ता है। एम्बुलेंस के अंदर उस रेसलर को डालकर सीधे हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा दिया जाता है। देखे भाई ब्रॉन ब्रेकर एडम पियर्स के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि तुमने जानबूझ के मुझे किंग ऑफ द रिंग के अंदर नहीं डाला, एडम पियर्स तो मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। आज मंडे नाइट रॉ के अंदर जिस तरह WWE ने ब्रॉन ब्रेकर को बुक किया उसको देखकर ऐसे लगता है कि उन्होंने गोल्डबर्ग को बुक किया है। वो रेसलर होने वाला जो कि फ्यूचर के अंदर जाकर गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार को रिप्लेस करने वाला है। कुछ खास चीजें हुई भाई आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर जो कि मुझे लगा आप सभी लोगों को बतानी चाहिए। आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो भाई ऐसी वीडियोस के लिए आप सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आप सबसे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में।